हरिओम गद्दी भेड़ पालक अभी प्रवास कर रहे हैं। देखिए सबसे पीछे छोटे छोटे मेमने हैं, इनसे ज़्यादा सफ़र नहीं होता तो थक जाते हैं ये। देखिए दोस्तों कितना बड़ा डॉग है ये। ये जो घोड़े आप देख रहे हैं इनके ऊपर पपीज़ हैं। दुख की बात ये है इन पपीज़ की मदर, उसकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में थोड़ी देर पहले ही। वो गाड़ी वाला भाग गया जब माल चुरा रहे थे ना, जब कुत्ती निकली सड़क से उसने बैंच चक के वो खत्म हो भाग गया, खत्म कर दिए स्पोर्ट में वहीं। वो तो रखवाली करती है इतना माल का, हमारे को क्या बदला गया, जानवर आएगा कोई भी आदमी आएगा कभी, ये बीमार होगी। कुत्ते के बच्चे तो है घोड़े पर रखे, उसके माँ मार दी उन्होंने बैंच, पाँच चार बच्चे वो बगैर माँ से। ऐसा हमारे को कोई भी नहीं जानता है, गद्दी लोग बोलते सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है क्या होते है। अब गाड़ी वाला भी बोलता है उसको मार भी देंगे क्या होगा, ऐसे सोचते हैं ना गाड़ी वाले भी, ये क्या होना इससे भाई, गद्दी तो है इनको क्या पता है, और हमारे को टाइम नहीं होता इतना, जब ये माल छोड़ के अब कहाँ जाए, इतने माल के पास बंदे कम होते हैं, जब बंदे खुला होता तब तो उसको देखा ना हमने, तब तो वहीं पकड़ लेना था हमने, हम नीचे थे और भैंस भाग गया उतने को। अभी ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, देखिए जो इनके साथ छोटा सा कुत्तू है वो नहीं आ रहा है सड़क से इस साइड गाड़ियों के डर से, तो उसको उठा के लाना पड़ेगा, गोद में उठा के लाए उसको। अब वहाँ से होते हुए अब ये जंगल में चले जाएंगे, ये डर रहा था दोस्तों। ये देखिए इसमें है कुत्ते के बच्चे, सारे इसमें ही हैं। ये बोल रहे 10 दिनों से इसकी हालत ऐसे ही है, नाक भी बिल्कुल सूख गया है। 2 पपीज ये हैं, ये वाली फीमेल पपी है और ये ब्लैक वाला मेल पपी है। देखिए सांस ज़ोर ज़ोर से ले रही है बेचारी। कल ये देव साइड पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो जो डॉक्टर है वो मेरे नॉन है, तो मैं उनको कॉल कर दूँगा। दो ये बोरी से निकाल रहे हैं, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का सिर्फ यही पपी है एक, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक भी पपी नहीं दे सकते हम, एक इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड को देना है किसी को। जितने भी भेड़ पालक आते हैं सब यही बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड को देना है। दूसरा मेल पपी ये है, देख लीजिए ब्राउन कलर का है, साथ में वाइट कलर की मार्किंग है अगली दो टांगों पे। तीसरा मेल पपी ये है, ये भी ब्राउन कलर का है और मुझे इनमें सबसे बड़ा यही लग रहा है, ब्लैक वाले पपी से भी बड़ा लग रहा है मुझे ये, देखिए ज़बरदस्त। यह है लास्ट पपी और ये फीमेल है, एक ही फीमेल पपी है। ये बकरी के उनका है, अच्छा देखिए दोस्तों कारपेट है ये बकरी के उनका। ये है गन इनकी, दो साल हो गए इनको। एक तो फॉरेस्ट गार्ड को देना है पपी और दूसरा एक ट्रक ड्राइवर को देना है। चार जोड़ी लाएगा वो, एक पपी मिलेगा उसको। यह है चलारू, बहुत सारे हैं नीचे पड़े हुए और पेड़ भी काफ़ी हैं यहाँ पे चीड़ के, आग जलाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एकदम से आग लगती है। ओए गुड गर्ल, गुड गर्ल, ओए इबा, आज हम आ गए हैं ईवा के पास फिर से और इसको देखिए पागल हो गई है ये,
ओए इबू ओए इबा ओए कुछ कर पागली हो गई है अभी फूल गया है इबा का सांस ओए गुड गर्ल गुड गर्ल इलाका देखिए कितना सुंदर है देखिए कितने आराम से करने दे रही है ओए फिर से करूं रुक मजे लगे हैं इवा के अब ये फिर से बोलेगी करने को ए इबू 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 बाय ये देख लीजिए इसका कोट और ये देखिए इसकी क्या हालत कर दी है इसने और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ देखिए इसके नाक पे इवा ये देखिए इसके नाक पे जो आपने देखा अभी ये चेरी ने पंजे लगाए थे चेरी के कान में मैं डेली दवाई लगा रहा हूँ इसने पकड़ा था बुरी तरह से घायल कर दिया था उसका कान इबू ओए इबू देखिए दोस्तों इसका क्या हाल कर दिया इसने ओए I will conquer this and bring you home when this world has stopped. अभी इवा इवनिंग वॉक पे जा रही है. When the time is right, I'll sing you a song.